नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुकार न्यूज में। मैं हूँ मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। थाना मंडी के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बागवानी विभाग इस क्षेत्र की ओर ध्यान देने में विफल है। हाजी मकबूल रैना ने कहा कि बागवानी विभाग रजौरी ने फलों के पौधे खरीदे और उनके वेल्डर को ही वितरित किए। उन्होंने कहा कि विभाग पिछले 3 वर्षों से गैर सहकारी है। किसानों ने जम्मू और कश्मीर के LG मनोज सिन्हा से आग्रह किया कि वे सीधे निदेशक बागवानी विभाग को निर्देश दें कि वे थाना मंडी के किसानों को सह संचालन प्रदान करें, जिनकी भूमि बहुत उपजाऊ है और बागवानी के लिए उपयुक्त है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डालते हैं थाना मंडी जिला रजौरी से हमारे संवाददाता तारिक शाल की इस रिपोर्ट पर। बात क्या नहीं पड़ रही है कि हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब शवन साहब, जिन पर लोगों को नाज है और लोगों की बहुत उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं, वे एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी का कंसेप्ट लाए और आकर बहरोट में वो छोटा मोटा प्रोग्राम किया। उन्हें चाहिए था कि हमारे इलाके में भी आया जाए। थन्ना मंडी की धरती जो है, इसका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 30 डिग्री के आसपास रहता है और 30 डिग्री में जो है ये हाई डेंसिटी एप्पल बहुत अच्छा होता है। हालांकि मेरे पास कुछ क्वालिटी जो ये नीचे थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि कैमरे वाले साहिबान घुमाएं, ये जो नीचे लगे हुए हैं इसमें ये जो है एप्पल जो है ये कश्मीर की सबसे मशहूर वैरायटी डेलिशियस है। और डेलिशियस के लिए ये चीज़ है कि वहाँ का उसको टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री तक चाहिए। लेकिन जब ये बहरोट के अंदर हुआ, हमें कोई भी सूचित नहीं किया गया। हालांकि ऑनरेबल डायरेक्टर साहब मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। जब निशारे के अंदर प्रोग्राम हुआ, जिस दिन हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर ने पहली मरतबा रजौरी के अंदर ज्वाइन किया, तो मैं उनकी उस महफिल में शमूलियत मेरी भी थी। मैं थाना मंडी से भी काफ़ी किसान ले गया था, लेकिन फिर भी हमें यहाँ के जो रजौरी में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसने मधु नहीं किया। इस वक्त आप देख रहे हो कि मेरे सेब के अंदर कुछ ऐसी टहनियाँ जो हैं ये सूख रही हैं। हालांकि ये सीज़न नहीं है, दिसंबर और जनवरी में कटाई का सीज़न होता है, लेकिन मजबूर होकर जो टाली सूख रही है, जिसमें बीमारी लग रही है, उसको हमें रिमूव करना पड़ता है दरख्त से। और रिमूव करने के बाद उसको तुरंत या तो जलाना है या ज़मीन के अंदर दफनाना है या बहुत दूर इसको ले जाना है, क्यों कि इसके अंदर ऐसी बीमारी होती है वो दोबारा अटैक करती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाई डेंसिटी के जो है ये, इसमें जब ये मेरा बाग तैयार हुआ था तो जिस वक्त यहाँ से यात्रा चली कश्मीर के लिए, उस साल में मैंने 1 लाख रुपए का यहाँ फ्रूट बेचा था। और हमारे सबका नहीं, आज भी वो कमिश्नर साहब हैं शालीन काबरा साहब यहाँ तशरीफ लाए। उसके बाद कस्बा साहब जब डायरेक्टर हुआ करते थे, कस्बा साहब भी यहाँ तशरीफ लाए। कस्बा साहब के दौर में हमने ये थोड़ी अचीवमेंट की थी। उसके बाद डायरेक्टर अनिल शर्मा जी आए, उन्होंने भी इसमें काफ़ी योगदान लिया, लेकिन उसके बाद से किसी डायरेक्टर साहब ने यहाँ आने की कोशिश नहीं की, सिवाय एक कमिश्नर साहब थे, मुझे उनका इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा है, कश्मीर से हैं वो, बिलोंग करते, वो दोनों भाई कमिश्नर सेक्रेटरी रहे हैं। देखिए जी, पिछले 3 सालों से हॉर्टिकल्चर ने हमें 1 पैसा नहीं दिया है। इवन देन ये जो आप पीछे थोड़ा कैमरा घुमाइए, ये जो फ्लोरिकल्चर का हमें इस वक्त इसमें ग्लैड लगा हुआ है, ये सारा ग्लैड, ये ग्लैड हम यहाँ ही आर्मी को सप्लाई करते हैं। ग्लैड के साथ साथ बाग की उस तरफ जो है वो पूतना लगा हुआ है, ये भी अच्छी वैरायटी का पूतना है।